ओम नारायणाय विघ्नेय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। भगवान विष्णु को समर्पित अनंत वासुदेव मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान रानी चंद्रिका द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर वैष्णव प्रतीकों को दर्शाता है और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर जैसा दिखता है। इसके अंदर भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां हैं। बलराम की मूर्ति 7 फनों वाले सर्प के नीचे स्थापित है। सुभद्रा के हाथों में गहनों का एक पात्र है और भगवान कृष्ण के हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख धारण किया हुआ है। अनंत वासुदेव भगवान विष्णु का ही एक नाम है और किंवदंती है कि इस मंदिर के निर्माण से पहले भी यहाँ भगवान विष्णु की एक मूर्ति की पूजा की जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किंवदंती यह साबित करती है कि इस स्थान पर एक पुराना मंदिर मौजूद था। वर्तमान काल में इस मंदिर में दैनिक आरती आयोजित की जाती है जो आगंतुकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान इस मंदिर में एक विशाल उत्सव का आयोजित होता है जिसमें प्रार्थना और भक्ति गीत गाया जाता है। इस मंदिर का प्रारूप उड़ीसा राज्य के अन्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। मंदिर का एक मुख्य आकर्षक इसकी रसोई है जहां महाप्रसाद को ओभोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसे जलाऊ लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करके मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यह पवित्र मंदिर भोजन पहले देवताओं को और फिर मंदिर से सटे भोग बाजार में भक्तों को परोसा जाता है। पूरा माहौल पूरी जगन्नाथ मंदिर के आनंद बाजार जैसा है। ये हमारा अनंत वासुदेव टेम्पल है।